हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, एक बार फिर से जुड़ेंगे मेरे साथ और आज हम बात करने वाले हैं रेलवेज की रीजनिंग की। जी हाँ, तो ऐसे कुछ कंसेप्ट, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो कि रेलवे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट, और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा गाइस स्लॉग्स। तो स्लॉग्स की आज हम बात करेंगे, तो इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है क्योंकि न सिर्फ रेलवेज में, अगर आप बात करें रेलवेज के अलावा भी दूसरे एग्जाम्स की, जैसे कि चाहे आप एसएससी की बात कर लीजिए, बैंक की बात कर लीजिए, इंश्योरेंस सेक्टर हो या दूसरी कोई स्टेट की वैकेंसीज, यानी कि स्लॉग्स जो है सभी में पूछा जाता है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे स्लॉगिज्म की, तो सभी लोग जुड़िएगा मेरे साथ और सेशन को कर दीजिएगा फटाफट से शेयर। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हमें जो है स्लॉग्स को सॉल्व करना है। हिंदी में भाई चैप्टर का नाम होता है न्याय निगमन, यानी कि आज हमें न्याय का निगमन करना है और कैसे करते हैं, क्या मीनिंग है, आज बिल्कुल बेसिक्स हम लेकर के चलेंगे, यानी बिल्कुल बेसिक से जो हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, ताकि जो आज पहली बार देख रहे हैं कि स्लॉग्स क्या होता है, किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, उन सभी को सारी चीजें समझ में आए। तो इसलिए फटाफट से मेरे साथ सभी लोग जुड़िएगा और शेयर कर दीजिएगा सेशन को, ताकि सभी को समझ में आ जाए कि स्लॉग्स को कैसे करना है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो स्लॉग्स में पूछे जाते हैं। देखिए स्लॉग्स के अगर मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात करूं गाइज, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग कुछ ऐसी होती है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसमें कि कुछ भी, मतलब जो है आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, कोई भी एक सेंटेंस लिख दिया जाएगा और इसके बेसिस पर जो है कॉन्क्लूजन यानी कि निष्कर्ष हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछा जाता है, देखिए हमसे निष्कर्ष, हमें दो निष्कर्ष जो है यानी कि दो कॉन्क्लूजन दे दिए जाते हैं और बस हमें यही बताना होता है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। चार ऑप्शन आपको वहां पर मिलने वाले हैं, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, या फिर नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, या फिर बोथ, ये चार ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ हैं सभी हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून, और जल्दी से जुड़ेंगे मेरे साथ, शेयर करेंगे सेशन को, फिर हम बढ़ेंगे आगे यहां से कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहता था। देखिए अब यहां से अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट्स की, तो स्टेटमेंट जो है यहां पर हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जो हमें कुछ एक अफर्मेटिव जो है बात रख रहा है, सकारात्मक बात कुछ एक रखेगा, और निगेटिव का मतलब जो नोट का, नो का जिक्र करेगा कहीं भी, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, निगेटिव टाइप। तो चलिए इसके बाद यहां पर आगे देखते हैं कि और क्या होता है इसमें। तो देखो भाई पॉजिटिव सेंटेंस को भी, पॉजिटिव स्टेटमेंट भी यहां पर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑल टाइप और एक होगा सम, यानी कि एक होगा कौन सा, सभी, जो लोग हिंदी में देखते हैं, एक होगा सभी और दूसरा कौन सा होगा, कुछ, ठीक है। तो ये दो टाइप के जो है स्टेटमेंट हमें मिलेंगे। इसी तरह से निगेटिव को भी दो सब टाइप्स में मैं बांट सकता हूं, एक होगा नो जिसका मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है, और दूसरा होगा यहां से सम नॉट जिसका कि मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ पार्ट ऐसा जो कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की फ्रेमिंग पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, ये आपका जो है हिंदी मीनिंग्स मैंने इनके लिख दिए, इनमें फर्क है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। अब देखो ये क्या है, ये ऑल, सम, नो, सम नॉट, सभी, कुछ, कोई नहीं, कुछ, ये है क्या भला, इसको आइए पहले समझते हैं फटाफट से। देखो इसका मतलब क्या है, ये हमारे क्वांटिटिव वर्ड्स हैं जो कि हमें ये बताएंगे किसकी कितनी क्वांटिटी किसके साथ ओवरलैप करती है, किसका कितना हिस्सा किसके साथ जुड़ा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सपोज एक बड़ा सिंपल से एग्जाम्पल से मैं कह देता हूँ, मान लीजिए मैंने लिख दिया बॉयज आर गुड, ठीक है, सपोज मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक, बॉयज आर गुड मान लीजिए भाई। और एक चीज और याद रखिएगा कि यहां पर कैसा भी स्टेटमेंट हो, चाहे वो रियल फैक्ट से बिल्कुल भी अलग हो, बिल्कुल ही अलग हो, लेकिन हमें फिर भी स्टेटमेंट को हमेशा, यानी कि कथन को हमेशा क्या मानना है कि वो 100% ट्रू है। स्टेटमेंट को हमें बिल्कुल 100% जो है ट्रू कंसीडर करना होता है, इस पे हम कभी भी कोई डाउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां से ये चीज हमने देख ली कि हमने जो भी यहां लिखा, हमने इसे 100% ट्रू मान लिया कि ठीक है बॉयज आर गुड, बट कितने बॉयज गुड है, 1, 2, 4, 10, 20, कितने नहीं कह सकते, इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसके पहले एक वर्ड जोड़ दूं ऑल, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि कितने बॉयज गुड है, ऑल यानी कि सारे के सारे बॉयज जो है वो गुड है। तो बॉयज का कितना पार्ट गुड है, ये हमें किसने बताया, ऑल ने। तो ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट हो गया, ऑल वाला। मैं हो सकता है यहां पर सम लिख देता ऑल की बजाय, मैं क्या लिख देता, सम, यानी कि मैं ये लिख देता कुछ लड़के अच्छे हैं, तो अब कितने रह गए, कुछ। आगे का स्टेटमेंट सेम है, जैसे ही पहला वर्ड बदला स्टेटमेंट का मतलब जो है वो मीनिंग जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, कुछ, यानी कि सम बॉयज आर गुड। तो देखो
आगे का सेंटेंस सेम था, फर्स्ट वर्ड बदला, मीनिंग बदल गया। तो यानी ये जो वर्ड्स हैं ये हमें यही बताएंगे किसकी कितनी क्वांटिटी किसके साथ ओवरलैप करती है, किसमें कितना कंसीडर है किसका पार्ट। तो ये चीजें हमें ये सारे यहां से जो वर्ड्स बताएंगे। अब देखो आपको ये चीज समझनी होती है, यहां से मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के चल रहा हूं। इन स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से, यानी कि कुछ सर्कल्स और कुछ ओवल शेप्स बना करके इनको हम सॉल्व करने वाले हैं यहां से। और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग मेरे साथ जुड़े और आगे बात करें हम फिर कुछ और नए कंसेप्ट्स की, ठीक है। और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो, ठीक है। तो चलिए देखो यहां से अगर सपोज मैं पहले बात करूं ऑल टाइप की, ठीक है, ऑल टाइप, ठीक, यानी कि जो लिखा हुआ है ऑल। सपोज कोई एक स्टेटमेंट था कि ऑल ए आर बी, ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या कह सकते हैं कि सभी ए बी है। अब इसमें देखो इतना हिंदी इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि इतने वर्ड्स हम सभी समझते हैं, सभी ए बी हैं, ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया, इसी तरह से बाकी सबको भी हम लिख सकते हैं। तो इतना बड़ा कोई इसमें इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं सिलोगिज्म इन हिंदी, तो भाई जीशु मिश्रा जी मैं तो बायलिंगुअल लेकर के चल रहा हूं, वैसे भी सिलोगिज्म को चाहे मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ा दूं या इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिर्फ चार ही शब्द आने, ऑल नो सम और सम नॉट, इसके अलावा सारी चीजें सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो कुछ फर्क इससे पड़ता नहीं है, मैं इसे किस लैंग्वेज में बता रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं सर हिंदी, तो देखिए मैंने ऑलरेडी वहां पर हिंदी लिख दिया, बाकी मैं इसको जो है ट्रांसलेट जरूर करता रहूंगा हर बार। मान लीजिए कोई एक स्टेटमेंट लिखा था, अब मुझे इसका वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम क्या होता है, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, ये हो गया ए, ठीक है, इसको मैंने नाम लिख दिया ए। तो ये जो सर्कल का जो पार्ट मैंने दिखाया ये क्या हो गया अपने आप में ए, ठीक है। और इसके अलावा ये इसको मैंने ऊपर से एक और सर्कल में बंद किया और उस सर्कल में मैंने लिख दिया बी। तो देखो ए का जो सर्कल है ये है अंदर वाला, बी का जो सर्कल है वो कौन सा है बड़ा वाला। तो सभी ए मुझे बी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि सभी जो ए हैं वो बी हैं, ऑल ए आर बी। अब देखो इसी डायग्राम को मैं एक तरीके से और भी ड्रॉ कर सकता हूं, कैसे, यहां पर देखो अगर मैं कोई एक ऐसा डायग्राम बना दूं कि ए और बी जो है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ए और बी दोनों इक्वल है, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसी एक कंडीशन भी हो सकती है। ये चीज आप याद रखिएगा। धनंजय जी अभी कोई बहुत ज्यादा लेट नहीं हुए, बिल्कुल परेशान ना हो, पहले ही यानी कि बेसिक का मैं पहला एक स्टेटमेंट लेकर के चल रहा हूं। स्टेटमेंट क्या, सभी ए बी हैं, उसका डायग्राम कैसे बनाना मैं ये फिलहाल सिखा रहा हूं, ठीक है। हमने इसका डायग्राम फ्रेम कर लिया, ऑल ए आर बी और जो है ए और बी इक्वल हैं। तो देखो ये भी कंडीशन हो सकती है और ये भी कंडीशन हो सकती है, हम हर एक उस डायग्राम को पॉसिबल मान सकते हैं, यानी सही मान लेंगे उसके लिए जो हमारे स्टेटमेंट को दिखा दे, बाकी कुछ दिखाता हो या फिर ना दिखाता हो, ठीक है। तो बिल्कुल, और धनंजय जी देखिए एसएससी सीपीओ की जो प्लेलिस्ट है ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल परेशान ना हो, वहां पर जो वीडियोस हैं वो भी अपडेट की जा रही हैं, तो बिल्कुल। और रही बात आपकी साइंस की क्लास की, तो भाई वो भी जल्द शुरू होगी क्योंकि जैसा आपका फीडबैक पिछली क्लासेस में भी आया तो हम अपने जो है जो एक्सपर्ट्स हैं उन तक पहुंचा चुके हैं, वो बहुत जल्द उसके को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल यहां से हमने देखा, अब यहां से हम बात करते हैं निष्कर्ष की यानी कि कॉन्क्लूजन की, ठीक है, ये चीज आपको देखनी होगी। तो देखो कॉन्क्लूजन का मतलब वो चीज होती है कि स्टेटमेंट को सॉल्व करके, स्टेटमेंट को मैन्युपुलेट करके आप क्या लेकर के आ रहे हैं यहां पर, ठीक है, वही सब हमारा क्या बनता है यहां पर कॉन्क्लूजन। तो अगर देखो मैं यहां से आपसे पूछूं कि भाई देखो यहां से ये जो चीज है, ये छोटा सा पार्ट मैंने ए के अंदर ड्रॉ किया, क्या ए का ये छोटा सा हिस्सा, थोड़ा सा जो पार्ट है वो ए का हिस्सा बी है? तो आंसर होगा यस, ऑफ कोर्स है, क्योंकि अगर ए का सारा हिस्सा बी में है तो ये थोड़ा सा जो पार्ट है वो भी क्या होगा, अपने आप में बी जरूर होगा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं सम ए आर बी, बिल्कुल डेफिनेटली मैंने इसको कह दिया, क्योंकि यहां से भी आप इस डायग्राम से भी मैं पूछूं ये जो ए का थोड़ा सा पार्ट है क्या वो बी है, तो यस अपने आप में वो बी है। तो दोनों डायग्राम में से चाहे जो भी कंडीशन रही हो, ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि जो ए का कुछ हिस्सा है वो बी डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज को आप समझिएगा, आगे हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। अब इसके अलावा देखो एक ही कंक्लूजन हो गया, दूसरा कंक्लूजन जिस तरह से ए का कुछ हिस्सा बी में बिल्कुल पक्का है, वैसे ही मैं देखूं तो देखो जो बी का इतना पार्ट जितने में ए ऑक्यूपाई कर लिया जितना ए ने, बी का उतना हिस्सा क्या हो गया अपने आप में ए, और यहां से देखें तो सारा ही बी अपने आप में क्या है ए है। तो यहां से दोनों ही बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि एटलीस्ट कुछ बी तो पक्की बात है ए है, कुछ बी ए है। तो यहां पर मैंने लिख दिया सम बी आर ए, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, यहां से ये दो कंक्लूजन हमने फाइंड आउट किए, ठीक है, जो किस केस में ट्रू है, बिल्कुल डेफिनेट है, बिल्कुल श्योर है, एकदम पक्का है कि भाई ये तो बिल्कुल श्योर रहेंगे। अब देखो ये तो हो गए डेफिनेट, इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं कॉन्क्लूजन्स की, तो कुछ ऐसे भी कॉन्क्लूजन होंगे जो कि डेफिनेट तो नहीं हम उन्हें कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी उनकी होती है, यानी कि संभावना होती है उनके ट्रू होने की, ठीक है।
संभावना होती है, तो उन पॉसिबिलिटीज उन संभावनाओं को भी जरा हम देख लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ लिख दिया सम बी आर ए हो सकता है, तो बिल्कुल भाई सम बी आर ए यहां से बिल्कुल हो सकता है, नहीं बिल्कुल होगा, इसलिए मैंने यहां से इसको लिख दिया। अब इसके अलावा देखो यहां पर हम लिखेंगे यहां से पॉसिबिलिटीज। अब देखो पॉसिबिलिटीज क्या होती है, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट ड्रॉ किया, इसके लिए मैंने दो यहां पर डायग्राम ड्रॉ किए, दो संभावनाएं थी कि ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है। अब जो चीज एक डायग्राम में तो हमें दिखती है लेकिन दूसरे में नहीं दिखती, वही अपने आप में क्या बन जाएगी, पॉसिबिलिटी। क्योंकि अगर ये डायग्राम है, ये कंडीशन हुई, तो वो कंडीशन हो सकती है लेकिन हो सकता है इस पे आने पे वो फेल कर जाए। तो अगर ऐसा है कि कोई ऐसी कंडीशन जो कि एक डायग्राम पे या दो पे सही दिख रही थी लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डायग्राम पे जाके वो फेल हो गई, तो वो जो है बन जाएगी क्या, पॉसिबिलिटी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं जो बी का ये जो डॉटेड पार्ट है जहां पर मैंने डॉट्स ड्रॉ किए, क्या बी का इतना हिस्सा अपने आप में ए है, तो आंसर होगा नो, नहीं है। क्यों? क्योंकि ए तो बस यहीं तक ऑक्यूपाइड है। तो यानी इस डायग्राम के बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, ठीक है बिल्कुल। अब लेकिन क्या मैं यहां इस डायग्राम से कह सकता हूं कि कुछ बी ए नहीं है, या तो ए और बी क्या है, दोनों इक्वल है। अगर ए और बी इक्वल हैं तो जो ए है वो सारे बी हैं और जो बी है वो सारे ए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते सेकंड डायग्राम से कि बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है। यानी यहां से तो मैं कह रहा हूं सम ए बी आर नॉट ए, लेकिन यहां पे आके फेल हो गई, तो ये क्या बनी, पॉसिबिलिटी। क्यों बनी? क्योंकि अगर ये कंडीशन हुई तो मेरी बात सही हो जाएगी और अगर ये कंडीशन हुई तो मेरी बात गलत हो जाएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना। अगर बादल हो रहे हो तो बारिश होने की संभावना है, बारिश हो गई तो मेरी बात सही हो जाएगी, नहीं हुई तो मेरी बात गलत हो जाएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। तो वैसे ही मैंने यहां पर इसको समझ लिया, तो यहां से मैंने पॉसिबिलिटी क्या लिख दी कि सम बी आर नॉट ए, ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि एक संभावना है कि कुछ बी ए नहीं है, ऐसी एक संभावना है, तो ठीक है मैंने उसको लिख दिया यहां पर। इसी तरह से दूसरा कंक्लूजन, अगर मैं यहां से देखूं तो सारे बी मुझे क्या नजर आ रहे हैं, बी नजर आ रहे हैं सारा पार्ट ए में, यानी कि बी का सारा हिस्सा ए है, तो ऑल बी आर ए इस डायग्राम के बेसिस पर ट्रू है। लेकिन क्या मैं यहां से कह सकता हूं ऑल बी आर ए, नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, तो ये भी बन जाती है गाइज एक पॉसिबिलिटी कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सभी बी के ए होने की एक संभावना है, तो ऐसा हो सकता है, तो मैंने इन दोनों को लिख दिया यहां से पॉसिबिलिटी केस में, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि भाई ये जो दो कंक्लूजन है वो पॉसिबिलिटी केस में ट्रू हैं और ये जो है वो डेफिनेट केस में ट्रू। और यहां से एक चीज और समझिएगा कि अगर जो चीज डेफिनेट केस में ट्रू थी, ठीक है, उसी को अगर पॉसिबिलिटी केस में लिख दिया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, और जो चीज पॉसिबल केस में ट्रू है और अगर उसको डेफिनेट केस में लिख दिया तब वो गलत हो जाएगा। यानी अगर डेफिनेट कॉन्क्लूजन है तो उसको डेफिनेट केस में ही रखने पर हम ट्रू करेंगे और पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी में ही ट्रू करेंगे, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ कि यहां पर देखो मैं पक्का पता था सम ए आर बी, ठीक है, और मैं इसी में जोड़ दूं इज अ पॉसिबिलिटी तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से सम बी आर ए, ये श्योर पता है, मैं बिल्कुल डेफिनेट पता है, इसी में लिख दूं मैं सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, एक संभावना है कि कुछ बी ए है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पक्के तौर पर पता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं पॉसिबिलिटी से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं सर, तो बिल्कुल भाई मैं अभी बिल्कुल जिक्र करूंगा जब मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा, तो बिल्कुल परेशान ना हो कि पॉसिबिलिटी से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये चीज आपने नोट कर ली, समझ ली, इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले केस की तरफ। और बिल्कुल लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं कि देखो नेक्स्ट हमारा केस क्या बनता है। ये हमने देखा ऑल केस, ऑल वाली कंडीशन में कैसे कैसे कंक्लूजन हमें मिलते हैं। चार हमारे पास केसेस हैं, एक ऑल, एक सम, एक नो, एक सम नॉट। तो अभी हमने कौन सा देखा, सिर्फ और सिर्फ ऑल वाला। इसके बाद हम आगे बात करेंगे यहां से, ठीक है, सम वाले की। तो अगर सपोज हमें दे दिया जाए सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है। अगर मान लीजिए ये हमें जो है एक कथन दे दिया जाए, कुछ ए बी है, ये चीज अगर हमें दे दी जाए, तो देखो इसका डायग्राम हम कैसा बनाएंगे, ये बन गया डायग्राम, ठीक है, कि ए का जो ये वाला पार्ट है वो अपने आप में क्या है, बी है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं डेफिनेट और पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन कर दूं, तो देखिए बिल्कुल आप इतना समझिए कि आप एक स्टेटमेंट के लिए चाहे भले ही 50 डायग्राम बना लीजिए, जो कंक्लूजन उन 50 के 50 पे अपने आप को जस्टिफाई करता है वो डेफिनेट केस में ट्रू होता है। और अगर वो 49 में तो डेफिनेट था, मतलब 49 में दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई एक डायग्राम ऐसा बन गया जिस पे वो जाके फेल हो गया, वो कंक्लूजन नहीं दिखाई दे रहा हमें, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो वो बन गई अब एक पॉसिबिलिटी, इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सम बी आर नॉट ए हो सकता है, तो
देखिए वहां से बिल्कुल मैंने लिखा था सम बी आर नॉट ए, लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी थी, श्योर नहीं था क्योंकि दूसरे डायग्राम पे जाके वो फेल हो गया था, तो इसलिए हम उसको पॉसिबिलिटी में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो तारिक जी वेरी गुड आफ्टरनून, और सुरेश जी हेलो, स्वागत है आप सभी का शो में। और यहां से आगे बढ़ेंगे हम जल्दी से, इसके बाद अगर देखना होगा मैं दूसरा यहां से स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट का दूसरा डायग्राम। तो सपोज मैंने अगर ये कह दिया ये ए, और ए के अंदर मैंने एक छोटा सर्कल बनाया जिसमें मैंने लिख दिया बी। तो देखो ए का उतना हिस्सा जितना बी हो गया वो क्या बन गया अपने आप में बी। ए सब बड़ा सर्कल किसका था, ए का, जिसके अंदर ये छोटा वाले पार्ट में कौन आ गया, बी आ गया, यानी ए का कुछ हिस्सा बी ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहां से ये जो कंडीशन है वो जस्टिफाइड हमें दिख रही है, सम बी आर ए, सॉरी सम ए आर बी, ये चीज हमें यहां से दिखाई पड़ती है। तो ये भी अपने आप में एक जो है पॉसिबल कंडीशन है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसको वाई से वर्षा कर दूं, उल्टा सारे ए किसके अंदर दिखा दूं, बी के अंदर। तो देखो भाई सारे बी अगर, सारे ए अगर बी के अंदर है, मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ए का क्या अपने आप में वो बी है, तो आंसर होगा यस, बिल्कुल है सर। तो मतलब कुछ ए बी है, ये लास्ट डायग्राम हमें दिखा रहा है, और अगर दिखा रहा है तो मीन्स हमारे जो कंडीशन है स्टेटमेंट की वो जस्टिफाइड है, और अगर जस्टिफाइड है तो फिर ये एक पॉसिबल कंडीशन बिल्कुल बन सकती है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज ए पॉसिबिलिटी। तो अब यहां से हमने ये देखे तीन तरह से हम इस चीज को ड्रॉ कर सकते थे, तीनों मैंने यहां पर फ्रेम कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद फिर से वही चीज कॉन्क्लूजन की बात करेंगे हम। ठीक है, कॉन्क्लूजन, ए का कुछ हिस्सा बी में बताया गया, तो देखो साथ ही हमें क्या दिख रहा है कि भाई बी का भी इतना हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा ये किसके अंदर चला गया, ए के अंदर। यहां से आप देखो सारे बी किसके अंदर है, ए के अंदर हैं, तो इसका मतलब कुछ बी भी ए के अंदर डेफिनेट हुए। यहां से आप देखो तो ये वाला जो हिस्सा है बी का वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया, ए ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो मतलब बी का कुछ हिस्सा ए हो गया। तो ये बात मैं यहां से बिल्कुल डेफिनेट कह सकता हूं कि सम बी आर ए, ये बिल्कुल डेफिनेट चीज है। ठीक है, तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया सम बी आर ए। अब यहां से ये तो बनी एक डेफिनेट चीज, इसके अलावा जो भी कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है वो सब क्या बनेंगी, पॉसिबिलिटीज। क्योंकि यहां से देखो जनरली हमें ये मिसकंसेप्ट बना हुआ होता है कि अगर ए का कुछ हिस्सा बी है तो मतलब कुछ नहीं है, ये चीज हमारी जो है एक बाय डिफॉल्ट हम फ्रेम कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये चीज हम बाय डिफॉल्ट फ्रेम कर लेते हैं कि अगर ए का कुछ हिस्सा बी है तो मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हम कंसेप्ट नहीं फॉलो कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो इस वाले डायग्राम को देखो, ये वाली कंडीशन है, तो यहां से हम कह सकते हैं हाँ भाई ए का जो है कुछ हिस्सा बी नहीं है, लेकिन यहां से भी हमने कह दिया कि भाई ए का ये पार्ट जो है वो बी नहीं है, लेकिन यहां से देखिए जरा थर्ड वाले डायग्राम से ए का सारा हिस्सा किस में दिखाई पड़ रहा है, हमें बी में दिखाई पड़ रहा है। तो यानी यहां से मैं नहीं कह सकता कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, यानी सम ए आर नॉट बी, मैं यहां से नहीं कह सकता, यहां पर आके वो जो है कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ठीक है, और यहां पर कुछ तारिक जी ने शायद कमेंट किया था, उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया, भाई मैं पढ़ नहीं पाया उसको, तो फिर अपना जो क्वेरी है वो फिर से पोस्ट कर दें एक बार। और अभिषेक जी वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो देखो सम ए आर नॉट बी यहां पे सही था, सम ए आर नॉट बी यहां पे सही था, लेकिन थर्ड डायग्राम पे जाके वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये बन गई एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना। तो हमने इसको लिख दिया सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी थी तो पॉसिबिलिटी केस में ही हमने उसको लिखा इज अ पॉसिबिलिटी। सिमिलरली इसका वाई से वर्षा अगर हम देखें, यहां से बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, यहां से बी का ये हिस्सा ए नहीं है, यानी सम बी आर नॉट ए इन फर्स्ट और लास्ट डायग्राम पे फॉलो करता है, लेकिन जो मिड वाला डायग्राम है यहां से सारे बी किसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, हमें ए के अंदर। तो क्या हम यहां से ये कह सकते हैं सम बी आर नॉट ए? नहीं कह सकते। तो मतलब ये भी क्या बनी, एक पॉसिबिलिटी बनी, तो इसको भी हमने यहां पर लिख दिया सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, एज इट इज हमने इसको यहां पर नोट कर लिया। तो उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो इसके बाद देखो थर्ड, और देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है। मैं यहां से देखूं तो सारे बी मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, ए, ऑल बी आर ए। इस डायग्राम के बेस पे मैं कह सकता हूं क्या यहां से मैं कह सकता हूं ऑल बी आर ए? नहीं। क्या यहां से कह सकता हूं ऑल बी आर ए? नहीं। यानी यहां से तो मैं कह सकता हूं सभी बी ए हैं, लेकिन यहां से नहीं कह सकता, यहां से नहीं कह सकता, तो फिर से कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कंक्लूजन, तो बन गई एक पॉसिबिलिटी, मींस ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। सिमिलरली यहां से मैं कह सकता हूं कि सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी। ठीक है, सभी ए बी हैं, लेकिन क्या यहां से या यहां से पहले दोनों डायग्राम से कह सकता हूं मैं सभी ए बी हैं? नहीं कह सकता। ठीक है, तो जब नहीं कह सकता तो ठीक है, मैंने ये भी क्या बना दी, एक पॉसिबिलिटी कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी।
ठीक है, तो ये यहाँ से चार जो है हमारे पॉसिबिलिटी केस में ट्रू हो गए। और यहाँ से कुछ लोग कह रहे हैं ऑल बी आर ए भी है, तो बिल्कुल भी मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तारीख जी कह रहे हैं इफ सम ए आर बी देन सम बी आर ए एक्सप्लेन अगेन। देखिए भाई, ए का कुछ हिस्सा अगर बी में है तो डेफिनेटली बी का कुछ हिस्सा ए में होगा ही होगा। अगर मान लीजिए आप सोचिए कि अगर आप अपने मान लीजिए शरीर का 10% हिस्सा भी, सिर्फ पैर अगर आप किसी रूम के अंदर रख देते हैं, आपका कुछ हिस्सा उस रूम के अंदर चला गया, तो उस रूम का चाहे 1% चाहे आधा परसेंट चाहे 0.1% हिस्सा कुछ ना कुछ आपके फुट ने जरूर ऑक्यूपाई कर लिया होगा, यानी उसका कुछ हिस्सा भी आपसे टच हो गया। तो सिमिलरली जब ए का कुछ हिस्सा बी में है तो बी का भी कुछ हिस्सा डेफिनेटली ए में आएगा ही आएगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं जी यहां से सर थर्ड फिगर समझ में नहीं आ रही, तो थर्ड फिगर बेटा ऐसा है, देखो समझिएगा, हमें यह बताया गया था कुछ ए बी है, हमें सिर्फ किस पार्ट के बारे में पता था कि ए का कुछ हिस्सा बी है, लेकिन जो रिमेनिंग हिस्सा उसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो मे बी हो सकता है बी के बाहर हो, जैसा मैंने यहां दिखाया या यहां दिखाया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें सिर्फ कुछ के बारे में ही पता था लेकिन जो बाकी हिस्सा था वो भी किसके अंदर था, ए के अंदर। और देखो मैंने भी बताया था हम किस डायग्राम को सही मान लेते हैं कि जो बस हमें ये दिखा दे हमारे स्टेटमेंट में क्या लिखा गया था, हमारे स्टेटमेंट में लिखा गया था कि सम ए आर बी कुछ ए बी है, और यहां से देखो सभी ए बी दिखाई दे रहे हैं, तो जब सारे ही ए बी के अंदर हैं तो उसका कुछ पार्ट भी बाय डिफॉल्ट बी में हो गया, तो लास्ट डायग्राम से भी मैं कह सकता हूं कि कुछ ए बी है, इसलिए उस पॉसिबिलिटी को मैंने यहां पर कंसिडर कर लिया था। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने यहां से देखा कि भाई ये एक तो हमारा बना डेफिनेट कॉन्क्लूजन और ये चार बने यहां से पॉसिबल कॉन्क्लूजन्स, तो जो जिस केस में ट्रू है उसी केस में रखने पर ट्रू होगा, अदरवाइज हम उसको गलत कंसिडर कर लेंगे। तो अब देखो यहां से मैंने दो पॉजिटिव केस में हमारे बनते थे जो है पॉजिटिव ये स्टेटमेंट्स, एक ऑल वाला एक सम वाला, उनके मैंने डायग्राम्स देखे, यहां से उनके कॉन्क्लूजन देखे। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं ताकि जो चीजें वो बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएं, किसी में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां से ये चीज आप समझिएगा कि फटाफट से आप इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने नोट कर लिया होगा, और जल्दी से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसके बाद आप उसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे उसमें से कौन कौन से जो कॉन्क्लूजन हैं वो ट्रू होंगे। ठीक है, मैं यहां पर फटाफट से एक स्टेटमेंट लिखता हूं, स्टेटमेंट है सम बी आर ए, इसके बाद दूसरा ऑल ए आर सी, और यहां से पहला जो कॉन्क्लूजन है, पहला जो निष्कर्ष है वो दिया गया था सम सी आर बी, और दूसरा सम ए आर बी, ये चीज हमें लिख करके दी गई थी। तो आपने मुझे ये बताना, बताइए इन दोनों कॉन्क्लूजन्स में से कौन कौन से ट्रू होंगे, कौन कौन से ट्रू नहीं होंगे, जल्दी से मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन कौन से ट्रू हैं, केवल पहला या केवल दूसरा या दोनों या एक भी नहीं। तो फटाफट से आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करके मुझे अपना आंसर बताइएगा, एंड आई विल बी जस्ट राइट बैक टू यू। तो जल्दी से मैं आपके सामने लौट रहा हूं, फटाफट से आप इसे जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर दीजिएगा, और देखते हैं फिर कितने लोग मुझे सही जवाब देंगे मेरे इस क्वेश्चन का। तो जल्दी से मैं लौटता हूं आपके सामने, तब तक कीजिएगा आप क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैं आपके सामने हाजिर हूं दोबारा से। तो यहां से कुछ लोग कह रहे हैं बोथ ट्रू बोथ ट्रू बोथ ट्रू, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले हम सीखते हैं इसका डायग्राम बनाना, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं सबसे पहले हम डायग्राम की बात करेंगे। देखो हमें बताया गया बी का कुछ हिस्सा ए है, तो हमें देखो डायग्राम क्या बनाना है, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम मिनिमम ओवरलैपिंग ही करेंगे, बाकी जो एडिशनल डायग्राम्स थे उन्हें केवल हम एज्यूम करेंगे कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, ऐसे भी डायग्राम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज हम कंसीडर करेंगे, फिलहाल हमें जो डायग्राम बनाना है बस इतना ही बनाना है। ठीक है, ऑल ए आर सी, सारे ए किसके अंदर है, सी के अंदर, तो हमने ये दिखा दिया ए का सारा हिस्सा किसके अंदर हो गया, सी के अंदर हो गया, तो ये हमारा इसका बन गया डायग्राम। अब देखो पहला कंक्लूजन क्या था, सम सी आर बी, कुछ सी का हिस्सा बी है, तो देखो हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि जो सी का जो हिस्सा है ये बी है। यस, बी का कुछ हिस्सा सी में है, सी का कुछ हिस्सा बी में, क्यों, क्योंकि बी का कुछ हिस्सा क्या है ए, और ए का सारा पार्ट सी है, तो बी का कुछ हिस्सा बाय डिफॉल्ट सी हो गया, और यही यहां पर लिखा होता कि सम सी आर बी, तो बी का जब हिस्सा सी हो गया तो सी का हिस्सा भी क्या होगा, बी डेफिनेटली होगा, इसलिए पहला हिस्सा क्या हो गया, ट्रू हो गया, यानी पहला कंक्लूजन ट्रू हो गया यहां से। ठीक है, इसके बाद सम ए आर बी, कुछ ए बी है,
हमें क्लियरली दिख रहा है, स्टेटमेंट भी था सम बी आर ए, यानी कुछ बी ए हैं और उसका उल्टा हमें लिख के दिया गया, तो यस ये भी यहां से ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कंक्लूजन बिल्कुल यहां से ट्रू होंगे और आंसर रहेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। तो जोनी जी भाई देखिए थोड़ा सा बिल्कुल प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा जो है इस चीज़ को मैनेज करिएगा, पेपर पेन का जो इशू है आपके साथ में, कोशिश करिएगा नेक्स्ट टाइम आप जो है ये कैरी कर लें तो अच्छा है, ताकि आपका जो सेशन है वो इंटरप्ट ना हो। और इसके बाद तारिक जी कह रहे हैं सबका क्वेश्चन सम अपील्स आर बनाना सम बनानाज आर रेप सम रेप्स आर नॉट एप्पल्स। तो भाई देखिए आप इसमें मुझे ये भी बताएं इसमें कॉन्क्लूजन क्या पूछे गए थे, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं मुझे तो शायद स्टेटमेंट्स हैं, तो बिल्कुल हम इस पर इसके बाद बात करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर निखिल जी कह रहे हैं सर डायग्राम फिर से समझाइएगा। लीजिए भाई मैं फिर से समझा देता हूँ। मुझे बताया गया था बी का कुछ हिस्सा ए, तो मैंने क्या किया बी का कुछ हिस्सा ए दिखा दिया। ठीक है, ये बी बनाया उसके बाद ये उसका ओवरलैप करके यहाँ पर मैं दोबारा बना देता हूँ। ये बी बी का कुछ हिस्सा ए दिखाना था, दिखा दिया हमने। मिनिमम ओवरलैपिंग करते हैं, जितना कहा सिर्फ उतना करेंगे। जो पॉसिबिलिटी जो अदर डायग्राम हम बना रहे थे वो सिर्फ हमें दिमाग में एज्यूम करने हैं कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। जब बात पॉसिबिलिटीज की करेगा तो उनको कंसिडर करेंगे। उसके बाद उसने कहा सारे ए जो है वो क्या है सी है, तो मैंने दिखा दिया सारे ए अपने आप में सी हो गए। तो देखो आपको दिख रहा होगा बी का कुछ हिस्सा बाय डिफॉल्ट ए के साथ साथ सी में भी कंसिडर हो गया, तो ये हमारा यहाँ पर डायग्राम बन गया और उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बेसिस पर हमने इन दोनों कॉन्क्लूजन को कर दिया ट्रू। अब यहां से देखो स्टेटमेंट को मैं सेम रख रहा हूं, कुछ और कॉन्क्लूजन पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या रहेगा इसका। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मैं यहां से सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष यानी कि कॉन्क्लूजन को चेंज कर रहा हूं। मान लीजिए पहला कॉन्क्लूजन पूछा गया सम सी आर नॉट बी इतना, और दूसरा सम सी आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। जल्दी से बताएंगे मुझे इन दोनों में से कौन सा ट्रू होगा या दोनों ट्रू होंगे, आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखो ऊपर स्टेटमेंट सेम है, डायग्राम में ऑलरेडी आपके लिए बना ही चुका हूं, तो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है ये रहा और उसी का डायग्राम मैंने दोबारा भी बनाया था। ठीक है, वो एक ही डायग्राम है, तो इसको आप कंसीडर करिएगा। डायग्राम फ्रेम्ड है ऑलरेडी आपके सामने, आपने बस जल्दी से मुझे बताना है कि यहां पर जो चीजें रहेंगी यानी यहां पर जो कंक्लूजन है इनमें से कौन सा यहां पर ट्रू रहेगा। तो जल्दी से बताएं मुझे नेक्स्ट, फिर देखेंगे हम आंसर क्या रहेगा, यानी यहाँ से कौन कौन से ट्रू होंगे। फटाफट से मुझे आंसर करें जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से बताएं इन दोनों कॉन्क्लूजन्स में से आंसर क्या रहेगा, केवल पहला सही है या केवल दूसरा, या फिर दोनों सही है या फिर एक भी सही नहीं है, यही चार ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर तारिक जी कह रहे हैं कॉन्क्लूजन पहला ट्रू है, सेकेंड इज ट्रू नन फॉलोज। भाई देखिए ये तो एक अलग अलग बात होगी, ये कभी एक साथ हो नहीं सकता। और दीपक जी कह रहे हैं फर्स्ट जो है वो ट्रू है, सेकंड वन जो है वो फॉल्स है। चलिए देखते हैं दीपक जी की आंसर क्या होगा। सुखदीप जी कह रहे हैं रॉन्ग। भाई कौन सा रॉन्ग है ये भी जरूर बताएं सुखदीप जी, कि आप दोनों को रॉन्ग कह रहे हैं या फिर किसी एक को रॉन्ग कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कितने लोग मुझे सही बताएंगे। निखिल जी कह रहे हैं बोथ, अजय कह रहे हैं बोथ आर रॉन्ग, अभिजीत जी कह रहे हैं बोथ आर फॉल्स। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। देखो यहीं से समझने वाली बात है, क्योंकि आंसर अभी तक किसी का मेरे पास में सही नहीं आया है। ठीक है, देखो सी और बी का आप यहां से डायग्राम देखो। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भले ही चाहे मैं भूल जाऊं कि यहां पर ए नहीं था, ठीक है मान लो मैं ऐसे कर दिया, तो सी और बी में मुझे कौन सा रिलेशन दिखाई पड़ रहा है सम का। ठीक है, और जहां पर सम का डेफिनेट रिलेशन था तो हमने अभी देखा था कि सम नोट वाली यहां से पॉसिबिलिटी ट्रू हो रही थी। सम नोट जो है वो पॉसिबिलिटी केस में क्या था ट्रू था, जब हमने ये देखा था कि कुछ ए बी कुछ ए बी हैं, तो हमने लिखा था ना कुछ ए बी नहीं है ऐसी एक संभावना और कुछ बी ए नहीं है ऐसी भी एक संभावना, दोनों को हमने ट्रू किया था। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्या लिखा होता सम सी आर नॉट बी, दूसरा था सम सी आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो डेफिनेट तो नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन ये भी हो सकती है जहां ये दोनों बराबर हो सकते हैं, इसलिए डेफिनेट तो नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल ट्रू होगी कि कुछ सी बी नहीं है ऐसी एक संभावना है, सम सी आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहां से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओनली सेकेंड इज ट्रू। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको यहां से जाननी है। ठीक है, नायरा जी कह रहे हैं सेकेंड ट्रू, तो बिल्कुल सेकेंड जो है वो ट्रू है यहां से। निक नेगी जी कह रहे हैं सेकेंड ट्रू, या दैट्स इट, या दैट्स द करेक्ट आंसर। बट निखिल जी कहते हैं यहां पर, या अरविंद कुमार जी कह रहे हैं फर्स्ट या बोथ, आंसर सही नहीं है, आंसर होगा ओनली सेकेंड इज ट्रू। क्यों, क्योंकि हम डेफिनेट नहीं कह सकते कि कुछ सी जो है वो बी नहीं है, लेकिन ये एक संभावना थी, तो संभावना वाले केस हमने उसको ट्रू कर दिया, जबकि इसमें रख दिया हमने उसको गलत। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे हमने इनको कर दिया कि इसमें से केवल सेकेंड ट्रू है। ठीक है, ये चीज आप समझिएगा, श्योर नहीं था, सम का रिलेशन है, सम नॉट की पॉसिबिलिटी जो है वो ट्रू होती है, इसीलिए मैंने पहले वो आपको डायग्राम्स बना करके दिखाए कि क्यों हम इसे पॉसिबिलिटी में रखते हैं और क्यों हम किसी को डेफिनेट में रखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर प्रभजोत जी कह रहे हैं कि सर आई एम द फर्स्ट वन टू आंसर बट यू डिडंट रीड माय आंसर. देखिए भाई मे बी ऐसा हो सकता है कि कई बार स्किप हो जाते हैं, तो लेकिन अगर आपका आंसर करेक्ट था तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने अगर सही आंसर दिया था. ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हमने देखी, उम्मीद कर रहा हूँ आगे बढ़ेंगे अब ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी यहाँ से. ठीक है, अब यहाँ से कुछ और एक मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उसके बाद कुछ और कॉन्क्लूजन, तो जल्दी से बताइएगा मुझे जो आंसर है वो क्या रहेगा. ठीक है, बताएंगे इसके बाद आगे हम बात करेंगे आंसर क्वेश्चंस की. और यहाँ पर दीपक जी कह रहे हैं भाई देखिए स्लॉगिज में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ, तो सेशन को मिस मत कीजिएगा. आज भी कल भी हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं स्लॉगिज, तो सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा. जिससे क्या होगा, हम थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा करके हम चीज़ों को समझेंगे, ताकि एकदम से आपके ऊपर बर्डन भी ना बढ़े. कंसेप्ट में सेगमेंट्स में हम आगे बढ़ेंगे. जैसे अभी मैंने सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात की है तो उन्हीं पर बेस्ड मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ, इसके बाद जब मैं निगेटिव की बात करूंगा तो उन पर बेस भी रखूंगा, फिर मिसलेनियस भी देखेंगे. ठीक है, तो चलिए यहां से फिलहाल मैं आपको देता हूं एक स्टेटमेंट. स्टेटमेंट था ऑल बी आर सी, दूसरा था ऑल डी आर सी, इसके बाद या फिर चलिए इसको बदल देते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए और थोड़ा सा आसान बना देता हूं मैं इसको, मान लीजिए बस इतना था ऑल बी आर सी ऑल सी आर डी. यहां से पहला कंक्लूजन ऑल बी आर डी, यहां से दूसरा कंक्लूजन ऑल सी आर बी. तो चलिए मुझे बताएंगे कितने लोग यहां से जल्दी से आंसर, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं जल्दी से आंसर करें, बताइए इनमें से कौन सा ट्रू होगा. पहला स्टेटमेंट था ऑल बी आर सी, दूसरा था ऑल सी आर डी, पहला कंक्लूजन पहला निष्कर्ष है कि सभी बी डी हैं और दूसरा है कि सभी सी बी हैं. तो चलिए देखते हैं कितने लोग मुझे सही आंसर करते हैं, यहां पर फटाफट से आंसर करिएगा, देखते हैं फिर उसके बाद कि यहां पर आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का. तो जल्दी से बताएंगे मुझे जो भी आपका आंसर बनता है, जो भी आपको लगता है कि इसमें से सही होना चाहिए वो जरूर बताएं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे जो आपका आंसर है वो सही है या नहीं है, नहीं है तो क्यों गलत हुआ और सही करी पीछे वजह क्या थी, ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे. प्रभजोत जी कहते हैं ओनली फर्स्ट, आंचल फर्स्ट इज ट्रू, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या रहेगा. ओनली फर्स्ट यहां से आंसर आ रहा है, सभी लोग मुझे वन वन कह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा ही होगा. तो डायग्राम बनाता हूं मैं यहां से ऑल बी आर सी, ये मैंने बी का सर्कल बनाया, सारे बी किसके अंदर दिखाने मुझे सी के अंदर, तो मैंने इसको बंद कर दिया किसके सी के अंदर, ये डायग्राम बन गया. उसके बाद ऑल सी आर डी, सारे सी अगर डी है तो सारे सी किसके अंदर दिखने चाहिए डी के अंदर, तो मैंने कुछ ऐसा एक डायग्राम बना दिया, तो ऑल बी आर सी ऑल सी आर डी का डायग्राम कुछ ऐसा बन गया. और अब की बार यहां से सभी लोगों ने मुझे बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि देखिए पहला कंक्लूजन क्या था ऑल बी आर डी सभी बी डी है, तो देखो क्या हमें ये बी का सर्कल डी के अंदर दिख रहा है कंप्लीटली, यस, तो यानी पहला क्या हो गया ट्रू हो गया. दूसरा ऑल सी आर बी, क्या हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि जितने भी सी हैं यानी जो सी का सर्कल है क्या वो हमें बी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो आंसर होगा नो, क्योंकि सी का जो सर्कल है वो ये रहा और जो बी का सर्कल है वो ये रहा छोटा, तो सी तो बाहर है तो हम ये नहीं कह सकते ऑल सी आर बी, तो इसको हम कर देंगे गलत. तो यहां से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है, यानी केवल पहला सही है. तो यहां से जितने लोगों ने आंसर दिया आपकी बार बिल्कुल सही था ओनली फर्स्ट ओनली फर्स्ट. यहीं से मान लीजिए मैं थोड़ा सा निष्कर्ष में कॉन्क्लूजन्स में बदलाव कर दूं, तो देखिए कैसे करना है हमें चीजों को ये समझिएगा. सपोज मान लीजिए मैंने पहला कॉन्क्लूजन यहां से पूछ लिया, ठीक है, सपोज कि ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये मैंने लिखा. और दूसरा मैंने यहां से पूछ लिया कि सम बी आर डी, ठीक है, तो चलिए बताएंगे आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएं यहां से. अब जो मैंने स्क्रीन पर कॉन्क्लूजन लिखे हैं, जो निष्कर्ष लिखे हैं कि सभी डी बी हैं, ऐसी एक संभावना है या सभी डी के बी हो जाने की संभावना है, और दूसरा कुछ बी डी हैं, तो चलिए बताएंगे आंसर क्या रहेगा यहां से. इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हमें इनका सही आंसर करना है और करेक्ट आंसर होगा क्या. तो जल्दी से मुझे बताएं जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शेयर कर दीजिएगा सेशन को ताकि सभी लोगों तक ये चीज़ें पहुंच जाएं, और फटाफट से हम इसके बाद बढ़ेंगे आगे. मनु चौधरी जी लेट हैं भाई वाकई में, क्योंकि लगभग 35 मिनट की क्लास जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है, थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं. प्रभजोत जी आंसर कर रहे हैं बोथ फॉलो, तो चलिए देखते हैं उनका जो आंसर है वो सही होगा या फिर नहीं. आंचल बोथ, तो चलिए बोथ जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि आंसर होना चाहिए कि दोनों, यानी कि पहला भी और दूसरा भी दोनों ही सही हैं. यहाँ से जितने भी लोग हैं बोथ ट्रू कह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं. देखो डायग्राम सामने बना हुआ था, पहला क्या कह रहा है ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी. अब हमें ये पता है सारे बी जो हैं वो किसके अंदर हैं डी के अंदर हैं, सारे बी डी के अंदर हैं, ठीक है. तो देखो मैंने अभी बताया था जब ऑल वाला केस बताया था कि अगर ये अंदर वाले केस को बोला जा रहा है कि ये और ये डी दोनों बराबर हो जाए यानी सारे डी बी के अंदर चले जाए, डेफिनेटली कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होती है और पॉसिबिलिटी ही लिखी थी इसलिए हमने इसको ट्रू कर दिया, ठीक है. दूसरा सम बी आर डी,
बी का सारा हिस्सा किसके अंदर है, डी। तो मैं आपसे ये पूछूं क्या ये बी का थोड़ा सा हिस्सा डी है, तो आंसर आएगा यस, यानी कि हम ये श्योर कह सकते हैं कि सम बी आर डी वही लिखा हुआ था, इसलिए इसको भी कर दिया हमने ट्रू। तो आंसर क्या आया, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन आर ट्रू, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आंसर आ गया, यहां से जो है बोथ रॉन्ग कह रहे हैं कुछ लोग, बोथ रॉन्ग नहीं होगा, आंसर होगा बोथ आर ट्रू। ठीक है, ओनली सेकेंड ट्रू भी नहीं होगा, कुछ लोग ये भी आंसर दे रहे हैं, तो नहीं, आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। तो उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं स्लॉग्स के अंदर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डाउट्स को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है, कि किस तरह की चीजें हमें मिलती हैं। एक और डायग्राम मैं यहां पर आपके साथ में बना रहा हूं, ठीक है, जल्दी से बताइएगा मुझे। एक और स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं, बताइएगा आंसर क्या रहेगा। स्टेटमेंट था हमारा सम ए आर बी, ठीक है, दूसरा था सम बी आर सी। ये हमारे दो डायग्राम्स हो गए, स्टेटमेंट हो गए। यहां से पहला कंक्लूजन था कि सम सी आर ए, और दूसरा था यहां से कि सम सी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो चलिए बताइएगा आंसर क्या रहेगा, देखते हैं कितने लोग मुझे सही जवाब देंगे इसका। तो बिल्कुल दीप जी, गर्ग जी कह रहे हैं यस सर, तो मतलब उनको समझ में आ गया। तो बताएंगे आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, यानी अब जो मैंने कॉन्क्लूजन आपके सामने लिखे इनमें से कौन सा ट्रू होगा कौन सा नहीं, जल्दी से मुझे बताएंगे, देखते हैं फिर करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। तो फटाफट से देखिएगा, डायग्राम बनाएगा, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं। पहला कॉन्क्लूजन कि कुछ सी ए है, और दूसरा कॉन्क्लूजन यानी दूसरा निष्कर्ष कि कुछ सी ए नहीं है, ऐसी एक संभावना है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। तो जल्दी से बताएंगे मुझे आंसर, देखते हैं फिर। तो यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं नाइदर, कुछ लोग कह रहे हैं ओनली सेकंड। दीपक रजक जी हेलो, और जल्दी से करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप लेट जुड़े हैं हमारे साथ, लेट हो गए हैं। आंचल कह रहे हैं सेकंड, तारिक जी सेकंड कहते हैं। तो मतलब अलग अलग लोग मुझे कुछ अलग अलग आंसर दे रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि ओनली सेकंड। तो चलिए देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कुछ ए बी है, ए का कुछ पार्ट क्या है बी, हमने कुछ इस तरह से दिखा दिया। कुछ बी सी है, बी का कुछ पार्ट जो है वो सी है, ठीक है, तो हमने इस तरह से दिखा दिया। ए का कुछ हिस्सा बी है, बी का कुछ हिस्सा सी है। इसके बाद देखो क्या कह रहा है कि कुछ सी ए है। देखो सी और ए के बारे में कोई रिलेशन ही नहीं था, ये रहा ए का सर्कल और ये हो गया खत्म यहां पर सी का सर्कल, इनके बीच कोई रिलेशन दिया ही नहीं था, निगेटिव पॉजिटिव कैसा भी नहीं। तो याद रखिएगा, जहां भी कभी ऐसा हो कि जो रिलेशन है वो गिवन ही नहीं है, ठीक है, रिलेशन दिया ही नहीं गया, रिलेशन नॉट गिवन है हमें, तो ऐसी कंडीशन में जितने भी डेफिनेट कॉन्क्लूजन होंगे, ठीक है, सभी क्या हो जाएंगे गलत, और जितने भी पॉसिबल कॉन्क्लूजन होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे उनके बीच सही। ये चीज आप नोट डाउन कर लेंगे तो स्लॉग्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये चीज आप समझिएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा कि अगर रिलेशन नॉट गिवन है तो सारे डेफिनेट कॉन्क्लूजन गलत रहेंगे और पॉसिबल कॉन्क्लूजन सभी सही हो जाएंगे। जैसे ए और सी के बीच रिलेशन नहीं था तो इनके बीच कुछ भी अगर डेफिनेट कहा जा रहा है तो वो गलत रहेगा, इनके बीच अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी में कहा जा रहा है तो वो सही रहेगा, ठीक है। जैसे यहां से जो आंसर है फिलहाल अगर मैं देखूं तो सी और ए के बीच को रिलेशन नहीं था तो हम इसको नहीं कह सकते, सी और ए के बीच को रिलेशन नहीं था, पॉसिबिलिटी लिखी थी तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। तो जो आंसर है वो क्या आया यहां से, ओनली सेकेंड। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज आपने समझ ली होगी। दीपक जी बोथ रॉन्ग नहीं होगा, यहाँ से जो आंसर है वो क्या रहेगा, ओनली सेकेंड, क्योंकि पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू रहेगी ऐसी कंडीशन में। यहाँ से देखो कुछ और कॉन्क्लूजन देखते हैं इसी स्टेटमेंट पर, यानी स्टेटमेंट सेम था, कुछ कॉन्क्लूजन बदलते हैं, बताइएगा आंसर क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पहला जो निष्कर्ष था, जो पहला कॉन्क्लूजन था वो कुछ ऐसा लिख दिया कि सम ए आर, सम ए आर नॉट बी, ठीक है, और दूसरा मैंने लिख दिया सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। बताइएगा जल्दी से कौन सा इसमें से ट्रू रहेगा, देखते हैं कितने लोग मुझे सही आंसर करेंगे। फिलहाल ये रहा आपके सामने प्रश्न, यहां से ही जल्दी से मुझे बताएंगे सम ए आर नॉट बी क्या था, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि ये जो दो कॉन्क्लूजन है आंसर क्या रहेगा। स्टेटमेंट सेम था, कुछ ए बी है कुछ बी सी है, और पहला यहां से निष्कर्ष कि कुछ ए बी नहीं है, और दूसरा कि कुछ बी ए नहीं है, ऐसी एक संभावना है। तो चलिए आंसर बताएंगे मुझे, फिर देखते हैं कि यहां से जो कंसेप्ट है वो क्या है, कैसे हमें इनके बीच आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन मुझे सही आंसर देता है। सबसे पहले फटाफट से आंसर करिएगा, जो भी आपको लगता है सही गलत वो बाद में फैसला हो जाएगा उस चीज का, लेकिन फिलहाल आप करिएगा आंसर। तो इरशाद जी कहते हैं यहां से सेकेंड ट्रू है, तो चलिए क्या वाकई सेकेंड ट्रू होगा,
कुछ लोग कह रहे हैं बोथ आर ट्रू। देखिए बोथ ट्रू कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही समय पर वो डेफिनेट केस में भी ट्रू हो जाए और वो पॉसिबिलिटी केस में भी ट्रू हो जाए। तो चलिए देख लेंगे फिर फिलहाल यहाँ से, तो आंसर क्या रहेगा देखते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं ट्रू होंगे बोथ, नहीं। देखो सम ए आर नॉट बी, अभी मैंने बताया था कि ए और बी के बीच जो है रिलेशन क्या था, कि हमें यह पता था ए का कुछ पार्ट बी है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है वो है या नहीं हमें श्योर नहीं मालूम। अभी मैंने जब सम ए आर बी वाला जो स्टेटमेंट लिखवाया था, जहां पर मैंने मल्टीपल डायग्राम्स बनवा के उसके डेफिनेट कॉन्क्लूजन उसकी पॉसिबिलिटीज लिखवाई थी, तो वहां हमने पॉसिबल केस में ट्रू किया था सम ए आर नॉट बी को, ठीक है, लेकिन यहां पर कैसे लिख दिया डेफिनेट में, इसलिए ये हो गया गलत। दूसरा सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो यस ये वहां पर मैंने सही लिखवाया था, तो इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया सही कर दिया, ये हो गया यहां से ट्रू। तो यहां से भी आंसर क्या आएगा ओनली सेकेंड इज ट्रू, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां से जितने लोग बोथ कह रहे हैं या कुछ और आंसर दे रहे हैं वो यहां से जो है समझ गए होंगे कि इसका जो आंसर है वो ओनली सेकेंड क्यों होगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर तारिक जी कह रहे हैं कि अगर वो एप्पल बनाना एटसेट्रा है तो वी कैन एनसर्कल, बिल्कुल जी बिल्कुल आप उनको एनसर्कल करेंगे, सर्कल के बीच आप लिख देंगे एप्पल, सपोज आपको एप्पल और बनाना की बात की गई तो इस सर्कल में हम लिख देंगे एप्पल, वो कह रहा है कुछ एप्पल बनाना है तो इसमें हम लिख देंगे बनाना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, वो एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलिमेंट चेंज होने से, इट्स ओके उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां से जो आंसर है वो क्या आया ओनली सेकेंड। तो अब देखो आपको जरूरत है क्या, यहां से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कुछ जो है चीजें समझाई। कुछ लोग कह रहे हैं सर फर्स्ट क्यों गलत है, तो चलिए देखिए फर्स्ट इसलिए गलत हो गया क्योंकि हम श्योर नहीं कह सकते। अभी मैंने आपके साथ ए और बी में कौन सा रिलेशन था सम का, तो जरा अभी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैंने सम वाले स्टेटमेंट को समझाया था तीन डायग्राम्स बना करके, तो वहां पर आप चेक करिएगा कि ये जो यहां पर जो कंक्लूजन लिखा है ये पॉसिबिलिटी केस में ट्रू है, तो फिर हम इसे डेफिनेट केस में ट्रू कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया था ना, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि भाई जो चीज डेफिनेट केस में ट्रू है उसको पॉसिबिलिटी में ट्रू नहीं कर सकते, जो पॉसिबिलिटी केस में ट्रू है उसको डेफिनेट में ट्रू नहीं करेंगे, और ये जो कंक्लूजन है वहां पर पॉसिबिलिटी केस में ट्रू था तो इसको डेफिनेट में कैसे ट्रू कर देंगे हम, नहीं कर सकते, इसलिए हमने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जहां पर हम इस चीज को दूसरे डायग्राम से दिखा दें, जो मैंने वहां पर अलग अलग डायग्राम दिखाए थे, तो यहां पर इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है, कि अब आपको जरूरत है जो मैंने आपको दो स्टेटमेंट ड्रॉ करके दिखाए थे उनके डेफिनेट केस के कॉन्क्लूजन्स और उनके पॉसिबल कॉन्क्लूजन्स लिखे थे, उनको एक बार पढ़ने की, उनको समझने की और इन ऐसे कुछ क्वेश्चंस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की। आप उन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेंगे तो ये चीजें आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बस आपको पहले उस पर वर्क करना है, इसके बाद ही मैं आपको आगे कुछ चीजें और समझा पाऊंगा, क्योंकि अगर हमारा बेस हमारा फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो ऊपर हमारी बिल्डिंग जो है वो कभी भी मजबूत नहीं होगी, इसलिए पहले बिल्डिंग पहले बेस को क्लियर करेंगे, इसके बाद हम आगे उस पर जो है फ्लोर्स की बात करेंगे। तो आज के लिए जो इस सेशन में जितना मैंने बताया आप इस सेशन को एक बार फिर से देखिएगा, फिर से सारी चीजें समझिएगा और कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। कल एक बार फिर से जुड़ेंगे, कल एक बार फिर से कुछ और क्वेश्चन कुछ और नए कंसेप्ट लेकर के आपके सामने हाजिर रहूंगा। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जो चीज है ठीक है वो आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, रिपीट करके एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लियर होगा। तो बस आज इन्हीं शब्दों के साथ लेता हूं आपसे विदा, तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।